एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव अपने इस चैनल जिसका नाम है दया मैथ्स एनालिसिस, इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज की इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है फेडरेशन के बेस पर है और जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो वो आर डी शर्मा के टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। तो अगर आपको फेडरेशन से संबंधित बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो इन वीडियोज़ के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीट देखें ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कॉन्सेप्ट को। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि 3x - 2y का होल क्यू है प्लस 2y - 4z का होल क्यू है और यहाँ पे दिया गया है 4z - 3x का होल क्यू है। तो सबसे पहले आपको एक रूल समझना होगा। रूल क्या कह सकते हैं उसे आप एक फार्मूला कहिए कि देखिए जब भी आप x प्लस वाई प्लस जेड को जब भी जोड़ेंगे, ठीक है, और जोड़ने पे रिजल्ट जब 0 होगा तो ये याद रखिएगा कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू जब करेंगे तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 3xyz के बराबर होगा। ध्यान समझिएगा कि जब भी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का जो रिजल्ट होगा वो 3xyz के बराबर होगा। अगर ये फार्मूला आपको पता है, ठीक है ना, ये रूल आपको पता है आपको, तो इस रूल से इसके फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि ये जो रिजल्ट लिखा गया कुछ देर के लिए इसको हम लोग एक्स मानते हैं, पूरे को रिजल्ट एज इसको वाई मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं जेड। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे। तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे, अगर हम 3x - 2y + 2y - 4z + 4z - 3x को लेकर के जोड़ रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है इसमें, 3x और -3x कैंसिल होगा, एडिटिव इनवर्स है, -2y + 2y भी कैंसिल हो जाएगा और -4z + 4z को कैंसिल कर दे रहा है और रिजल्ट यहाँ पे 0 आ रहा है। तो अभी समझ जाओ कि जो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो 3xyz के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे 3, तो x की जगह पे हम ये पूरा रिजल्ट लिखेंगे, क्या है ये 3x - 2y। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, y की जगह पे ये जो रिजल्ट लिखा गया है इसको हम लोग लिख लेंगे 2y - 4z और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग इस जो लास्ट वाला जो आखिरी ब्रैकेट है हमने जेड की जगह पे हमने ये कंसीडर किया है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4z - 3x। लीजिए फैक्टराइजेशन का हो गया, क्लियर। लेकिन ये रूल आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ भी दिया गया है, क्लियर। तो इसको हम कुछ देर के लिए इसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं, इस पूरे को हम लोग वाई कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एज ए जेड, क्लियर। और इसको हम लोग जोड़ के देखेंगे तो देखो क्या मिल रहा है, 2x - 3y + 4z - 2x + 3y - 4z। अब जोड़ के देखते हैं रिजल्ट क्या बनता है। तो जब रिजल्ट को जब हम लोग देखेंगे, देखो 2x और -2x कैंसिल हो जाएगा, +4z - 4z कैंसिल हो रहा है, -3y + 3y कैंसिल हो गया तो ये बराबर 0 हो गया। अब सीधे जो फार्मूला आपने लिखा था यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी खासकर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू तो ये 3xyz के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे 3x की जगह पे ये पूरा 2x - 3y पूरा लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे। उसके बाद से y की जगह पे ये रिजल्ट लिख देंगे 4z - 2x और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3y - 4z, क्लियर। तो ये रिजल्ट जो होगा ये इस तरह का इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन हो गया है। फिलहाल ये जो मैंने स्केच पेन जो यूज कर रहा हूँ थोड़ा लाइटली चल रहा है, इसकी जगह पे मैं एक दूसरा ले रहा हूँ मैं, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लें। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कोई यहाँ फिलहाल तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है ना कि x/2 + y + z/3 का होल क्यू दिया गया है इसमें। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है ठीक इसी के ही बेस पर है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे भी इस क्वेश्चन को बताना चाहिए तो इस क्वेश्चन को देख लो। सबसे पहले क्या करो ना, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जोड़ना तो है, तो इसको क्या करो कि इसको एक्स कंसिडर कर लो, इस हिस्से को वाई कंसिडर कर लो पूरा और इसको पूरा जेड कंसिडर कर लो और हम लोग क्या करेंगे इन तीनों को जोड़ेंगे, क्लियर। तो ये जोड़ते समय ध्यान रखना ना कि लाइक टर्म्स के को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है, जिसमें लिटरल फैक्टर सेम हो। जैसे मान लो x/2, x/3 और -5/x/6 ये लाइक टर्म्स में आएंगे तो इनको हम एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो इनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, x/2 + x/3 - 5x/6 इसको हम लोग एक ब्रैकेट में ले लेते हैं प्लस। अब हम लोग देखते हैं y वाला कहाँ है, तो
वाई तो आपको यहाँ मिलना है, इसमें आपको मिल रहा है क्या, माइनस टू वाई बाई थ्री, और यहाँ पे आपका मिलेगा माइनस वाई बाई थ्री। इसको एक साथ ले लें। अब हम लोग जेड वाला ले लेते हैं, क्लियर। तो जेड वाले में लेंगे तो यहाँ पे आपका मिलेगा क्या, जेड बाई थ्री, और यहाँ पे लेंगे क्या, प्लस जेड, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे क्या, देखो यहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे मिलेगा माइनस फोर जेड बाई थ्री मिलेगा, तो माइनस फोर जेड बाई थ्री, इसको आप ऐसे ले लीजिए। अब आपको पता होगा भाई डिनोमीटर सेम करने के लिए, ठीक है, तो डिनोमीटर सेम करने के लिए क्या करूँ ना, कि इसमें टू से मल्टीप्लाई कर लो। अब क्यों, क्योंकि देखो इसका सिक्स था, तो इसमें मैं टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसमें मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, क्लियर। अब यहाँ पे तुम चेक करो तो देखो इसमें देखो थ्री एक्स बनना है, और यहाँ बना टू एक्स, तो थ्री एक्स और टू एक्स मिलकर फाइव एक्स होंगे, और फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स जीरो हो जाएगा, और जीरो बाई सिक्स का रिजल्ट क्या होता है, जीरो जाता है। तो ये पूरा रिजल्ट, इसका जो भी रिजल्ट होगा वो जीरो के बराबर आ रहा है। अब हम लोग इसको भी देखेंगे जोड़ करके कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अब देखो यहाँ पे डिनोमीटर कुछ नहीं है, तो वन तो कंसीडर कर सकते हो, इन दोनों में थ्री थ्री डिनोमीटर दिया गया, तो इसमें भी थ्री से तुम मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर, इस तरीके से। अब देखो थ्री वाई में से टू वाई को निकालोगे तो वन आई, वन वाई आएगा, क्लियर, और वन वाई में से वन वाई को घटाओगे तो जीरो हो जाएगा, और जीरो बाई थ्री को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका भी रिजल्ट जो होगा वो जीरो के बराबर आएगा। अब आप देख रहे हो कि ये रिजल्ट जीरो हो गया, ये रिजल्ट जीरो हो गया, अब इसे भी चेक कर लो। तो यहाँ पे तुम ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे डिनोमीटर थ्री है, यहाँ पे डिनोमीटर थ्री है, तो यहाँ डिनोमीटर नहीं, तो वन कंसीडर कर लो, और हम क्या करेंगे, इसमें हम थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर, ताकि डिनोमीटर दोनों का क्या, सबका बराबर हो जाए। तो अब ये होगा जेड, ये हो गया थ्री जेड, तो थ्री जेड और वन जेड मिला के फोर जेड होगा, फोर जेड में से फोर जेड को घटाओगे तो जीरो होगा, और जीरो बाई थ्री का रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो इन तीनों का रिजल्ट जोड़ने पे जीरो हो गया। तो जैसा कि फार्मूला में बताया गया था कि जब भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड जोड़ने पे जब जीरो होगा तो वैल्यू थ्री एक्स वाई जेड के बराबर होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका आंसर में, सीधे लिखेंगे थ्री, ठीक है, और यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू जो जो लिखी गई थी, एक्स बाई टू प्लस वाई और प्लस जेड बाई थ्री, ये जो दिखाई दे रहा ना ये एक्स वाला, देखो हमने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना, तो ये थ्री एक्स आपका हो गया, मतलब ये इस तरीके से हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई वाला देखेंगे। अब वाई वाले में रिजल्ट यहाँ पे लिखा गया क्या, एक्स बाई थ्री दिख ही रहा होगा, माइनस टू वाई बाई थ्री दिख रहा होगा, और प्लस जेड, देखो इस चीज़ को भी मैंने लिख लिया, तो ये हो गया थ्री एक्स और वाई। अब हमारा जेड वाला एक पोर्शन जो बच रहा है इसको हम लोग लिखेंगे, क्लियर। तो जेड वाले में क्या था आपका, यहाँ पे है आपका माइनस फाइव एक्स बाई सिक्स, माइनस वाई बाई थ्री है, और माइनस फोर जेड बाई थ्री। तो इस तरीके से देखो ये जो आपका बनेगा ये फैक्टराइजेशन बनेगा, और किस क्वेश्चन का बनेगा, ये क्वेश्चन आप देख चुके हो, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दिया गया था, ठीक है ना, इसका फैक्टराइजेशन। तो इस वीडियोस को देखने के बाद केवल देखने से नहीं काम चलेगा, जो आपके बुक में जो एक्सरसाइज वर्क दिए गए उनको जरूर करें, ताकि आपको पता चले कि जो आप देख रहे हैं वो आप बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब इस वीडियोज़ का आखिरी क्वेश्चन जो कि क्या है। अब आखिरी क्वेश्चन में जब बढ़ेंगे तो देखो इसका यही फॉर्मेट है, क्लियर। तो यहाँ पर भी क्या करें, सबको जोड़ कर देखें, इसको एक्स कंसीडर कर लेना, इसको वाई, और इसको जेड मान लेना, जो अंदर वैल्यू जो लिखी गई, रिजल्ट जो लिखे गए हैं। तो देखो ए माइनस थ्री बी प्लस थ्री बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, अब जोड़ने जाओगे तो प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा, यहाँ देख सकते हो, माइनस थ्री बी प्लस थ्री भी कटेगा और माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, यानी सारा रिजल्ट जो हो गया जीरो हो गया। तो फार्मूला आपको मालूम है, थ्री एक्स वाई जेड, तो थ्री लिखो, एक्स की जगह पे लिख दो ए माइनस थ्री बी, और यहाँ लिख देना थ्री बी माइनस सी, और यहाँ पे लिख देना क्या, सी माइनस ए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक जरूर करके जाइएगा, और उन दोस्तों को भी सजेस्ट करें जिनका मैथमेटिक्स बहुत ही कमजोर हो। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत, और ऊपर के आई बटन को देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।